एवरीवन, तो आज हम लोग एकदम चटकारेदार मसालेदार गोल मटोल क्रिस्पी करारी चावल की पकौड़ी बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही अलग और एक यूनिक तरीके के साथ में। तो हमने एक कप चावल को भीगने के लिए छोड़ दिया था, रात भर हमने इसको भिगो लिया है और अब इसका हम पूरा पानी निकाल करके अलग रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा पानी इसका निकाल लिया है, बिल्कुल भी पानी की हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पर पीसते टाइम अगर आपको जरूरत लगती है तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना कम पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें हम चावल को ऐड कर रहे हैं। और इस रेसिपी के लिए आप कोई से भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा हो या बासमती, जो भी चावल हो आप उसको बस भिगो करके छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें जितना हो सके उतना कम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लगभग 2 या 3 बड़े चम्मच ही पानी का इस्तेमाल किया है और इस तरीके का गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार किया है। पेस्ट गाढ़ा तो है ही, साथ में ध्यान रखना है कि अगर हम उंगली और अंगूठे के बीच में लगाकर देखते हैं तो थोड़ा सा दरदरा सा ये लगना चाहिए, ऐसा हमें बनाना है। इससे हमारी पकौड़ियाँ जो है वो काफ़ी क्रिस्पी और करारी बनेंगी। तो यहाँ पर हमने पूरे चावल को अच्छे से पीस करके पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन सिर्फ चावल से बढ़िया सी बाइंडिंग नहीं आती और हमारी पकौड़ी इतनी बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगी। तो इसको एक अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 1 या 2 आलू उबाल करके मैश करके वो ऐड कर सकते हैं, इसको साथ में पीस लीजिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जिस कप से आपने चावल नापा है उसका 1/4 कप आप इसमें उड़द की दाल को भिगो दें साथ में और इसको हम पीस करके इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका पूरा पानी हम निकाल देते हैं जैसे हमने चावल का निकाला है और दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें भी हम जितना हो सकेगा उतना कम पानी का इस्तेमाल करेंगे और एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो चावल को काफ़ी अच्छी बाइंडिंग मिल जाती है उड़द की दाल से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, दाल अगर आप भिगोना भूल गए हैं तो आप उबला हुआ आलू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी बाइंडिंग इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर हमने दाल को भी पीस लिया है, दोनों ही बैटर को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम दोनों चीज़ों को एक साथ में नहीं पीस सकते हैं। पीस सकते थे, लेकिन क्या होता है कि चावल को हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है और जो दाल को है हमें एकदम महीन सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, इसलिए एक साथ नहीं पीस सकते। चावल को पीसते टाइम हमें थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगा था और जो दाल है वो फटाफट से पीस गई थी, क्योंकि चिकनी होती है काफ़ी आसानी से पीस गई थी, और जो चावल है वो हमें थोड़ा सा दरदरा रखना था, तो इसलिए टाइमिंग में फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमने एक साथ इसको नहीं पीसा है, अलग अलग पीस करके तैयार किया है। अब दोनों ही चीज़ों को हम बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे एक विस्कर की सहायता से, जिससे कि सारे ही दाने कण कण इसमें आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएं। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर रहे हैं और साथ में थोड़ी सी बीट भी हो जाएगी तो फ्लफी सी भी बनने लगेगी। तो यहाँ पर हमने अपनी दाल को अच्छे से मिक्स करके रख लिया है, इसको ढक करके लगभग 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि एकदम परफेक्टली सेट होकर के तैयार हो जाएगी और तब तक आप अपनी कोई चटनी वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर 1/2 घंटा हो गया है, हमारी दाल अच्छे से सेट होकर के तैयार हो गई है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं साबुत जीरा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है ये पकौड़ी के साथ में। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा हींग और इसी के साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है। अब तीखेपन के लिए हमने 2-3 हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है, वो ऐड कर दी है। तो साथ ही में एक अदरक के टुकड़े को हमने इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है, वो भी ऐड कर दिया है। अब अगर आपको तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया है, बस सभी चीज़ों को हम बढ़िया से एक बार कर लेते हैं मिक्स। अब इस हमारी जो पकौड़ी है उसको एकदम फ्लफी सा और फूला फूला बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने का सोडा अगर ना हो तो आप इनो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप दोनों चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लगभग 2 से 3 मिनट के लिए दाल को अच्छे से बीट कर लें बीटर की सहायता से, इससे भी हमारी पकौड़ियाँ काफ़ी फूली फूली और फ्लफी बनकर तैयार होती हैं। अब यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो गया, उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए। ये देखिए एक साथ में नहीं गिर रहा है हमारा बैटर, जब हम गिरा रहे हैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर गिर रहा है, ऐसा ही बैटर हमको चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो बैटर है वो थोड़ा पतला हो गया तो थोड़ी सी मैदा उसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई आपको ऐसी लेनी है जिसके जो कुंदे होते हैं यानी कि जो साइड्स होते हैं ये थोड़े से ऊपर उठे हुए होने चाहिए, बेस से थोड़ा सा ऊपर होने चाहिए, जिससे कि हम जब धागा इसमें बांधेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से बन जाए। तो कोई भी आप एक टाइट सा धागा ले लीजिए और पतले से धागे को इस तरीके से बांध दीजिए दोनों ही किनारों पर, इसके जो हैंडल्स हैं उस पर हम इसके बांध देंगे। इसको हमें थोड़ा सा टाइट करके बांधना है और ये देखिए हमने दोनों ही हैंडल्स पर इस तरह से एक धागा बांध करके तैयार कर दिया, ये हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमने एक खाली बॉटल ले ली है, पानी वगैरह की बॉटल हमारे पास घर पे रखी ही होती है। इस तरीके से क्या होता है जब हम पकौड़ियाँ बनाते हैं तो हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और यहाँ पर हमने एक चाकू को गैस पर हल्का सा गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद में ये देखिए जिस तरीके से मैं घुमाते हुए कट कर रही हूँ ऐसे आपको भी कट करके ले लेना है। जितनी मोटी या पतली आपको पकौड़ियाँ बनानी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। मैंने मीडियम ही रखी है क्योंकि मैं मीडियम साइज़ की पकौड़ियाँ बना रही हूँ, थोड़ी अगर आपको बड़ी पसंद है तो ज़्यादा भी इसको कट करके लिया जा सकता है।
अब यहाँ पर हमने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इससे क्या होगा जो हमारा बैटर है उसको भी बॉटल को बॉटल में अंदर फिल करने में आसानी होगी। इसकी जगह पर आप दूध की थैली ले लीजिएगा, अगर आपके पास कीप वगैरह रखी हो जिससे हम ऑयल फिल करते हैं ना उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइपिंग बैग में हमने अपना बैटर को पूरे तरह से फिल कर लिया है और अब हम इसको हमारी बॉटल के अंदर डालेंगे। इससे हमारी बॉटल के अंदर फिल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर जलेबी मेकर आपके पास रखा है तो आप उससे भी इसमें फिल कर सकते हैं बॉटल के अंदर। तो चलिए पहले बैटर को हम लोग फिल कर लेते हैं अपनी बॉटल के अंदर। ये देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल लिया, थोड़ा सा इसमें कट भी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लगाना है क्योंकि हमें बॉटल के अंदर इसकी नोप को डालना होगा। तो पतला सा मैंने इसको कट कर लिया है और बॉटल के अंदर हम अपने बैटर को यहाँ पर फिल कर लेंगे इस तरीके से। और एक बार आपको लगेगा कि बनाने में आप कोई भी बड़ी सी बॉटल ले सकते हो और एक बार में काफ़ी सारा बैटर भर लीजिए और फिर जब आप इसके पकौड़ियाँ बनते देखेंगे ना तो आप फिर बार बार इसी तरीके से पकौड़ियाँ बनाना चाहेंगे। बहुत ही आसानी से हमारी पकौड़ियाँ बन जाती हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका बैटर है वो पतला ना हो, थोड़ा गाढ़ा हो। अगर बैटर पतला होगा तो बहुत अच्छे से पकौड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है तो थोड़ी सी मैदा उसमें मिक्स कर दीजिए, बिल्कुल भी टेस्ट खराब नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर गैस को चढ़ा दिया है, यानी गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम लोग देखिए इस तरीके से अपनी पकौड़ियाँ बनाएंगे। बॉटल को धागे के पास ले जाएंगे, हल्का सा स्क्वीज करा और ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से जब हम पकौड़ियाँ बनाते हैं तो हमारी गोल गोल पकौड़ी बनकर तैयार होती है। देखिए मैं आपको धीरे धीरे भी दिखा रही हूँ, बाद में आपको फास्ट भी जल्दी पकौड़ियाँ बनेंगी। बस मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको बनानी है। बस आपको बॉटल को कढ़ाई के ऊपर रखना है जिस तरीके से मैंने रखा है, स्क्वीज करना है और धागे से इस तरीके से कट कर देना है। आपकी पकौड़ियाँ एकदम गोल मटोल और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगी और लगभग एक ही साइज़ की बनती है। और ये देखिए मैं किस तरीके से फास्ट फास्ट बना रही हूँ। आप धागे के चारों तरफ यानी कि अच्छे से हर तरफ इसमें से पकौड़ियाँ बना सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में ही बनाना जरूरी नहीं है, किनारों पर भी बना सकते हैं, जिससे कि एक ही बार में बहुत सारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती है और एकदम गोल गोल हमारी पकौड़ियाँ ऐसे बनकर तैयार होती है और लगभग एक ही साइज़ की बन जाती हैं। ये देखिए और इसको चलाना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इस तरह से इसको पलट सकते हैं और पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसको क्रिस्पी करारी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हमारी पकौड़ियाँ फ्राई होकर तैयार हो गई हैं तो इनको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए और हमारी पकौड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं, एकदम क्रिस्पी और करारी लग रही हैं ना। और देखिए बिल्कुल गोल गोल हमारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई और हमारे हाथ भी गंदे नहीं हुए। बार बार आपको हाथ धोने का टेंशन नहीं है, बस बॉटल में भरकर के रख लीजिए और अपनी पकौड़ियाँ इस तरह से बनाते रहिए। साथ के साथ में दूसरे काम भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ना तो हाथ धोने की ज़रूरत है ना ही आपको इसको बार बार पलटने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया से हमारी गोल मटोल एकदम बढ़िया वाली क्रिस्पी करारी पकौड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम बाकी की सारी ही पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने बहुत ही क्रिस्पी करारी से हमारी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और मैं ये पकौड़ी आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बनी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और ये देखिए कितनी गोल मटोल हमारी पकौड़ी बनी है ना। जब हम हाथ से बनाते हैं तो भी इतनी क्रिस्पी और इतनी मतलब इतनी गोल मटोल नहीं बन पाती है। देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी पकौड़ी बनी है, बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आता है, बहुत ही टेस्टी ये पकौड़ियाँ लगती है। इसको आप हरे धनिया की चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं या फिर मूंगफली की चटनी के साथ में या फिर नारियल की चटनी के साथ में, तीनों के साथ में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। अगर आपके पास सूखा नारियल हो तो उससे भी आप चटनी बना करके देखिएगा, नारियल की उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आता है। तो आपको आज का ये जुगाड़ तरीका कैसा लगा मेरा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ऐसे ही अच्छी अच्छी जुगाड़ और यूनिक रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करके और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी रेसिपीज़ चाहिए और वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा। कोविड फिर से फैल रहा है तो मास्क ज़रूर लगाइएगा, कोविड गाइडलाइंस का ज़रूर पालन कीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।